महंगाई के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश व्यापी रोष प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ के कांग्रेस कार्यालय में भी आज जो है वो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल और प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में जो है वो पैदल मार्च निकाला जा रहा है। मैम, किस तरीके से क्या कहेंगे, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल सैकड़ा पार कर चुका है तो वहीं डीजल जो है वो सैकड़े के करीब पहुंच चुका है। बिल्कुल सैकड़ा पार है, LPG 1000 पार है। आम नागरिक को आप देख रहे हैं कि इतनी महंगाई से कैसे त्रस्त है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी सरकार बिल्कुल मूक दर्शक बनी हुई है। केवल बड़ी कंपनियों को मुनाफाखोरी करने दे रही है और आम नागरिक को कोई राहत नहीं है। और किस तरीके से और कब तक जो है महंगाई के खिलाफ जो कांग्रेस का अभियान है कब तक चलेगा और किस रूपरेखा के तहत चलाया जाएगा? देखिए, अभी हमने ये 3 चरण का कार्यक्रम किया है, आगे आने वाले समय में और भी जो भी हमें करना पड़ेगा ये तो लगातार हम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। कब तक जो है ये महंगाई मुक्त अभियान कांग्रेस पार्टी का है, जिसके तहत हम ये कार्यक्रम किए चले जा रहे हैं और आगे भी जैसे हमारे केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश होगा हम करेंगे। और हरियाणा में भी हरियाणा के मुद्दों को लेकर हम समय समय पर करते रहे हैं और करेंगे। आज का क्या रोड मैप रहने वाला है मैम, किस तरीके से ज्ञापन कहाँ सौंपा जाएगा? ज्ञापन नहीं है, हम केवल धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि जब तक जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो है वो कटौती नहीं होती तब तक उनका ये अब महंगाई के खिलाफ जो है अभियान है वो लगातार जारी रहेगा। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट।